हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन ईटी पैनल में वही डिस्कस करेंगे। ईटी पैनल में अभी क्या है, इंडिकेशंस आता है ना फर्नेस पैनल में, सब लोग देखते हैं इंडिकेशंस आता है। वो इंडिकेशंस क्या क्या है, कैसे है, उसका फुल फॉर्म्स क्या है, वो सब आज अपन डिस्कस करेंगे शंकर रेड्डी इलेक्ट्रिकल चैनल में। अब तक मेरा चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी अपन पहले टॉपिक में जाएंगे, इंडिकेशंस क्या क्या आता है ईटी पैनल में। ये जो ईटी पैनल का जो सीरीज है, ये सीरीज को कोई मिस नहीं करना है। मिस करेंगे तो क्या है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, इसलिए ये सीरीज को कोई भी आदमी मिस नहीं करना। ये सब चीज कोई इतना एक्सप्लेन से अच्छे से कोई नहीं बोलेगा। अपन थोड़ा रिस्क लेस के कर रहे करके आप लोग थोड़ा ध्यान से सीखिए। कोई भी नया इलेक्ट्रिशियन हो, मैं जो बोलूंगा उसको पूरा समझ में आएगा मेरे हिसाब से। तो वो हिसाब से आप लोग ये करेंगे, आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग कोई भी पैनल चलाना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। 80% तक आप लोग कोई भी पैनल आप लोग चला सकते हैं, बाकी 20% तो ऊपर लोग तो है ही, इंजीनियर लोग तो करेगा। ओके, ये 80% में मिस नहीं होना करके मेरा ये है। 80% में मिस नहीं हुआ, छोटा भी प्रॉब्लम आ गया इंजीनियर को बुला लिया, थोड़ा भी प्रॉब्लम आ गया वावर वोल्टेज आया, वावर करंट आया, वावर फ्रीक्वेंसी आया, इंजीनियर को बुला लिया। ये सब चीज बहुत आदमी करता है, इसलिए ये सब चीज आप लोग को होना नहीं चाहिए करके, आप लोग बदनाम नहीं होना करके ये सब इतना रिस्क लेगा। मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, इसलिए आप लोग कोई भी पार्ट्स को आप लोग मिस नहीं करना। सब सबका कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरा पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अभी अपन टॉपिक में जाएंगे। ईटी पैनल में इंडिकेशंस क्या क्या आता है, बाहर में इंडिकेशन, आप लोग कभी भी पैनल चालू करने जाएंगे तो ये सब इंडिकेशंस मिलेगा। मेंस ऑन हो गया, कंट्रोल ऑन हो गया, रेडी, ये सब इंडिकेशंस देखिए। पावर लिमिट, वोल्टेज लिमिट, करंट लिमिट और वावर करंट, वावर वोल्टेज, वावर फ्रीक्वेंसी, एप्लीकेस, ये इंडिकेशन। और फ्यूज ब्लोन का जीडब्ल्यूएफ जीडब्ल्यूटी, मतलब जनरेटर वाटर टेम्परेचर। नेक्स्ट वन डोर ओपन, नेक्स्ट वन बस वाटर टेम्परेचर, बस बार वाटर का टेम्परेचर। नेक्स्ट ये हो गया फर्नेस वाटर टेम्परेचर, फर्नेस वाटर फ्लो, फर्नेस वाटर टेम्परेचर, एमएफ इंटरलॉक, सीडब्ल्यूटी, ये सब इंडिकेशन जरूर आएगा। ये सब इंडिकेशंस का आज का बोलने का मतलब क्या है, सबको ये मालूम नहीं है। ये बस बार वाटर टेम्परेचर फुल फॉर्म्स मालूम नहीं है करके मैं फुल फॉर्म्स भी इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो सी करके लिख के आएगा, ये वावर करंट है, वावर करंट। नेक्स्ट वन वो भी लिख के आएगा तो वावर वोल्टेज है। इंडिकेशन सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट ओ एफ आ गया तो समझ लेना वावर फ्रीक्वेंसी। ओके, जीडब्ल्यूएफ बोलेगा तो जनरेटर वाटर फ्लो, जनरेटर वाटर। जनरेटर किसको बोलते हैं, अपना जो पैनल होता है ना उसको सॉलिड स्टेट जनरेटर, वो एक नाम है फर्नेस पैनल का, इसलिए इसको जनरेटर वाटर फ्लो, मतलब जो जनरेटर के अंदर जो फ्लो होगा वाटर, वो जनरेटर वाटर फ्लो होता है। नेक्स्ट जीडब्ल्यूटी बोलेगा तो जनरेटर वाटर टेम्परेचर, जो अंदर में पानी घुसता है उसमें टेम्परेचर आएगा तो वो इंडिकेट करने के लिए जीडब्ल्यूटी। नेक्स्ट हो गया फर्नेस वाटर फ्लो, ये जो फर्नेस कॉयल में जो वाटर फ्लो होता है उसके लिए फर्नेस वाटर फ्लो, एफडब्ल्यूएफ। नेक्स्ट एफडब्ल्यूटी मीन्स फर्नेस वाटर टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट एमएफ इंटरलॉक, इसका फुल फॉर्म कहीं भी नहीं मिलता है, मेरे पास है वो देखिए, मल्टी फर्नेस इंटरलॉक। जैसे मल्टी फर्नेस होता है ना, जैसे 5-6 फर्नेस चलाना है, एमएफ इंटरलॉक लगा देगा, वो जो पर्टिकुलर फर्नेस चलाना हो वो चला सकते हैं। इसमें 2 फर्नेस लगाते हैं हम रेगुलरली, इसलिए 2 फर्नेस का मल्टी फर्नेस इंटरलॉक लगा देगा, 2 इधर से उधर, एक चालू होगा तो एक ही चालू होगा, दूसरा नहीं होगा, इसके लिए इंटरलॉक, एमएफ इंटरलॉक यूज किया जाता है। ये एमएफ बोलेगा तो मल्टी फर्नेसेस, ये कहीं नहीं मिलता है, इसलिए
ये देख लीजिएगा एमएफ इंटरलॉक का फुल फॉर्म। नेक्स्ट सीडब्ल्यूटी, सीडब्ल्यूटी बोलेगा तो जो कैपेसिटर वाटर रैक में जो टेम्परेचर आता है, कैपेसिटर रैक में वाटर टेम्परेचर, उसको सीडब्ल्यूटी बोला जाता है, सीडब्ल्यूटी कैपेसिटर वाटर टेम्परेचर का। ओके नेक्स्ट एर्थ लीकेज, एर्थ लीकेज तो सबको मालूम है। नेक्स्ट डब्ल्यूसी, डब्ल्यूसी बोलेगा तो वाटर कंडक्टिविटी, ओके वाटर कंडक्टिविटी डब्ल्यूसी इंडिकेशन है। ऐसे सब इंडिकेशंस का इतना ही आप लोग ध्यान रखेगा, इतना भी जानकार रहेगा, मतलब हर इलेक्ट्रिशियन को ये सब मालूम होना, ये सब नहीं बोलना सब सबको, अरे एमएफ इंटरलॉक आ रहा है, जीडब्ल्यूएफ आ रहा है, उस समय तुरंत पूछेगा सीनियर लोग, जीएम हो मैनेजर हो, अरे क्या है जीडब्ल्यूएफ, जीडब्ल्यूएफ फुल फॉर्म क्या है, ये बोलेगा तो कोई नहीं बोलेगा, तो ये इलेक्ट्रिशियन को तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो वो बोलेगा जीएम कितना साल से काम कर रहा है, क्या कर रहा है। ये सब के लिए आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना करके ये सब इतना फुल फॉर्म्स मैं बना के आप लोग को समझा रहा हूँ, ये सब आप लोग जरूर याद रखिए, दिमाग में रखिए, मेरा क्या क्या इंडिकेशन आ रहा है उसको सॉल्यूशंस भी मैं धीरे धीरे पीछे में बताया, इनकमिंग एटीए में क्या सेंसर्स रहेगा, एटी रिले एटीए कार्ड में क्या सेंसर्स रहेगा, 8B 08B में क्या सेंसर्स रहेगा, और रिले 05 कार्ड में क्या सेंसर्स रहेगा, इनसाइड सेंसर्स कहा रहता है, आउटसाइड सेंसर्स कहा रहता है, पैरामीटर्स कहा रहता है, ये सब एक एक कार्ड में मैं एक्सप्लेन किया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी ये पार्ट सीरीज को कोई भी मिस नहीं होना, मिस नहीं होगा तो आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा, पैनल को आराम से आप लोग चला सकते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम्स, ये छोटा छोटा प्रॉब्लम से ज्यादा आता है, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स बहुत कम आता है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स आप लोग हर इलेक्ट्रिशियन को जानना जरूरी है, जानकारी लेके ओके आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इतना ही आज का टॉपिक है, अब तक मेरा चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करिए, ये पूरा आप लोग जानकारी लीजिए जरूर, ओके थैंक यू बाय।